नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ सुप्रीति सलाखिया। जम्मू संभाग में बढ़ती आतंकी घटनाओं के मद्देनजर नई रणनीति के तहत अब गांव-गांव में युवाओं की ब्रिगेड तैयारी की जाएगी। इन्हें विशेष पुलिस अफसर के रूप में जम्मू कश्मीर पुलिस में नियुक्त किया जाएगा। इन्हें हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर दहशतगर्दों से मुकाबला करेंगे। गृह मंत्रालय के निर्देश पर फिलहाल 100 से अधिक गांवों को चिन्हित किया गया है जहां एसपीओ रखे जाएंगे। आतंकवाद प्रभावित डोडा, रियासी, राजौरी व पुंछ में फिलहाल एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। पुंछ में 47, राजौरी व रियासी में 22-22 तथा डोडा में 27 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां एसपीओ रखे जाएंगे। गांव के युवाओं की भर्ती परीक्षा होगी, हालांकि ये केवल शारीरिक होगी, इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है। इन युवाओं को प्रति महीने 6,000 रुपए मानदेय मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि जम्मू संभाग में एसपीओ की तैनाती इसी महीने पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जल्द से जल्द इन युवाओं को ट्रेनिंग देकर तैनात किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि जून में रियासी, डोडा और कठुआ में लगातार हुई आतंकी घटनाओं के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक पर जम्मू संभाग में आतंकवाद का सफाया करने का निर्देश दिया था। इसके तहत जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए आतंकियों तथा उनके मददगारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की रणनीति बनाई गई थी। माना जा रहा है कि आतंकवाद ग्रस्त इलाकों के गांव में एसपीओ की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा है। एडीजी आनंद जैन का कहना है कि आतंकी घटनाओं के प्रति पूरी सख्ती बरती जाएगी, एसपीओ के जरिए गांव में सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7।